हाय माय डिवास, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वाला लुक देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि क्रिसमस पार्टी के लिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है, जिसमें क्रिसमस ट्री की तरह ग्लिटरी ग्रीन आईज एंड बोल्ड रेड लिप्स किए हैं। पर ये वाला लुक आप अपने किसी भी ग्रीन कलर की ड्रेस के साथ में या ग्रीन कलर की ज्वेलरी, पर्स कुछ भी कैरी कर रहे हैं तो आप ये वाला लुक क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा मिक्स मैच लिपस्टिक के साथ में करते हुए, जैसे न्यूड कलर की लिपस्टिक या पिंक कलर की लिपस्टिक करते हुए इस लुक को थोड़ा सा लाइट एंड डार्क भी कर सकते हैं। मिक्स मैच करते हुए आप अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग से चेंज कर सकते हैं। तो इस लुक को मैंने कैसे क्रिएट किया है, इसे देखने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बेल बटन होगा उसे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो लुक कैसे क्रिएट किया है चलिए देखते हैं। सो स्किन आपकी कैसी भी है, ड्राई, नॉर्मल, ऑयली, आपको स्किन को प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने नीविया की क्रीम ली है, क्योंकि ये मुझे बहुत सूट करती है, बहुत ही लाइट मॉइस्चराइजर है ये। और मेकअप को बहुत ही फ्लॉलेस एंड लॉन्ग लास्टिंग करना है, इसके लिए प्राइमर ज़रूरी है। ये फाउंडेशन को बहुत लॉन्ग लास्टिंग बनाता है और पोर्स को एकदम ब्लर कर देता है। तो मैंने कलर एसेंस का प्राइमर लिया है। देन आईब्रोज की फिलिंग मैं ये फेसेस कनाडे की पेंसिल से कर रही हूँ। ये बहुत ही ईजी है जस्ट अप्लाई करना, क्योंकि इसके साथ में स्पूली भी मिलता है, तो आपका जो हेयर होते हैं वो एक लाइन में बिल्कुल सेट हो जाते हैं। देन आईब्रोज के जो एजेस हैं उनको क्लीन करने के लिए, कि आईब्रोज का शेप बहुत उभर के आए, एंड एज ए आई शेडो बेस मैं ये कंसीलर ले रही हूँ। ये कंसीलर वेट एंड वाइल्ड ब्रांड का है और इसे ब्रश की हेल्प से पूरा अपनी स्किन में ब्लेंड कर लेना है। और इसके बाद मैंने ये टेप फिक्स किया है अपने आईज के कॉर्नर पर, क्योंकि टेप लगाने के बाद में ये बहुत ही बैनर फ्रेंडली मेकअप बन जाता है, आपका जो आई शेडो है उस पर नहीं होता है। एंड देन मार्फे 35B की पैलेट से मैं एक ग्रीन कलर पिक कर रही हूँ, जैसे कि अपनी क्रीज एरिया पर लगा रही हूँ। उसके ऊपर थोड़ा सा स्मोक आउट करने के लिए मैंने येलो कलर लिया है और इसे इस तरह से अप्लाई कर लेना है, तो क्रीज थोड़ा सा लाइट हो जाती है। देन ये डार्केस्ट ग्रीन कलर लिया है और इसे पूरी लिड पर अप्लाई कर लेना है, इस तरह से डिपॉजिट करना है एंड देन लगा लेना है। थोड़ा सा आपको इसमें टाइम लगता है कोई भी कलर को बिल्ड करने के लिए, जब तक आपको मनचाही इंटेंसिटी ना मिले तब तक आप उसे लगाएं। और फिर कॉर्नर में मैं ब्लैक कलर अप्लाई कर रही हूँ, टेप ऑलरेडी लगा हुआ है, इससे कलर बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा, आप आराम से इसे अप्लाई कर सकते हैं। और क्रिसमस थीम को फॉलो करते हुए मैंने आईज में एक ग्लिटर भी अप्लाई किया है। ये यूनाइटेड शेड्स ऑफ ग्लिटर की पैलेट है, ये प्रेस्ड ग्लिटर है, इसमें से मैं ग्रीन कलर पिक कर रही हूँ और जस्ट फिंगर टिप की हेल्प से इसे अप्लाई कर ले रही हूँ। ये बहुत ईजी है, ये ग्लिटर फॉल भी नहीं होते और बहुत ही अच्छे से लग जाते हैं, बहुत ही बैगनर फ्रेंडली हैं। और स्टे क्विकी के लाइनर से अब विंग क्रिएट कर रही हूँ जस्ट कॉर्नर्स पे, पूरी लिड पर लगाने की जरूरत नहीं है। और देन मैं टेप को निकाल दे रही हूँ एंड लोअर लैश लाइन पर वर्क करने के लिए सबसे पहले मैंने काजल लिया है लैक्मे का, जिसे वाटर लाइन एंड टाइट लाइन पर अप्लाई करने के बाद सेम ब्लैक आई शेडो को लोअर लैश लाइन के डाउन में इस तरह से स्मजर ब्रश की हेल्प से लगा लेना है। और फिर स्मोक आउट करने के लिए ग्रीन कलर लिया है। और अब आई लैशेस को कर्ल करने के बाद मैं मस्कारा लगा ले रही हूँ। ये मस्कारा भी वेट एंड वाइल्ड का मेगा लेंथ मस्कारा है, जो काफी अच्छे से वॉल्यूम देता है एंड ये वाटरप्रूफ मस्कारा है। और आईज को और भी ब्यूटीफुल बनाने के लिए फॉल्सीज मैंने ली है पैक की, नंबर है इसका 62। और बेस के लिए मैंने ये लॉरियल ट्रू मैच फाउंडेशन लिया है। माय गॉड, इतना अच्छा फाउंडेशन है, एकदम सेकेंड स्किन जैसा लगता है, बहुत ही लाइट है, इसके लिए बहुत अच्छा कवरेज देता है। इसकी कंसिस्टेंसी देखेंगे आप रनी है, लेकिन फेस पर लग जाने के बाद ये इतने अच्छे से फिक्स हो जाता है। सो एक बार आप ये लॉरियल ट्रू मैच फाउंडेशन अप्लाई करके ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छा है, एक मीडियम रेंज वाला बहुत अच्छा फाउंडेशन इसे कहेंगे। और मीनवाइल मैं अपने लिप्स को भी प्रिपेयर कर ले रही हूँ अपने मेबलिन के लिप बॉम से। और अब सेम वेट एंड वाइट के कंसीलर को मैं अपनी अंडर आई अप्लाई कर ले रही हूँ, जिससे कि ये जो एरिया होता है वो और भी ब्राइटन अप लगता है। और जो भी फेस के हाई पॉइंट है उन पर अप्लाई करके डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे पूरा ब्लेंड कर देना है, जिससे कि फेस और भी ब्राइटन अप लगने लगता है। और मैं अब यहाँ पे क्रीम कॉन्टूर कर रही हूँ। विंटर सीजन में आपको क्रीम कॉन्टूर करना बहुत अच्छा रहता है, समर में आप कभी भी अप्लाई ना करें क्योंकि बहुत स्वेटी हो जाता है। तो ये निक्स की स्टिक है, बहुत बैगनर फ्रेंडली है, तो जो ये कॉन्टोरिंग एरिया है इन पर इसे जस्ट लाइन की तरह ड्रॉ कर लेना है एंड देन डैम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पूरा इसे मर्ज कर लेना है। अब पूरे बेस को फिक्स करने के लिए मैंने मेबलिन का ही ये फिट मी पाउडर लिया है, सेटिंग पाउडर है, इसका नंबर है 25। और इससे जो भी अगर आपका फाउंडेशन डार्क लाइट होता है तो भी बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, तो ये पूरा ब्रश की हेल्प से मैं बेस को सेट कर ले रही हूँ। एंड फेस को डायमेंशन देने के लिए मैंने फेसेस कनाडा की ये पैलेट ली है, जिसमें ब्रॉन्जर, ब्लशर एंड हाइलाइटर तीनों ही मिल जाते हैं। तो ब्रॉन्जर को लेकर शेडोइंग एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ, जिससे कि फेस थोड़ा सा कॉन्टूर हो जाता है, थोड़ा सा वार्म्थ उसमें ऐड हो जाती है। तो जो भी ये शेडोइंग एरिया है उन पर इस तरह से अप्लाई कर लेना है। नोज भी लिफ्टेड नजर आए, इसके लिए ज़रूरी है कि नोज पर भी ब्रॉन्जर अप्लाई कर लिया जाए, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं।
देन चीक्स को रोजी करने के लिए मैंने ये ब्लशर लिया है इसी पैलेट से, ये थोड़ा शिमरी लाइट ब्लशर है। और उसके बाद ये हाइलाइटर से मैं अपनी ब्रॉ बोन एंड इनर कॉर्नर को भी अप्लाई कर ले रही हूँ और इसे अपनी चीक बोन पर अप्लाई कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है, सेम पैलेट से वर्क करना बहुत ईजी हो जाता है, आपको अलग अलग प्रोडक्ट नहीं लेने पड़ते हैं, ट्रेवल फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली, एवरीथिंग। मैं ऑलवेज सजेस्ट करती हूँ कि इस तरह के पैलेट्स आप रखें अपनी किट में। तो ये लगाने के बाद में अब मैं लिपस्टिक अप्लाई कर रही हूँ, शुगर ड्रॉप डेड रेड इसका कलर है, शेड नंबर 10, और बहुत ही बोल्ड रेड कलर है। थीम के अकॉर्डिंग मैंने ग्रीन एंड रेड पूरा कॉम्बिनेशन लिया है। आप चाहें तो लाइट कलर की लिपस्टिक भी चूज कर सकते हैं, न्यूड भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी इस लुक के साथ बहुत अच्छा लगेगा। और मेकअप को सील एंड लॉक करने के लिए मैंने ये मैक का मेकअप सेटिंग स्प्रे लिया। और अब ये है मेरा फाइनल फिनिश लुक। आई होप कि आपको ये लुक अच्छा लगा होगा, क्रिसमस थीम से एकदम मैच करता हुआ लुक है। अगर ये आपको अच्छा लगा है, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और जो भी प्रोडक्ट मैंने अप्लाई किए उन सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो दैट आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। सो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैं स्टोरी डालती रहती हूँ। सो कीप वॉचिंग, टेक केयर, स्टे स्टाइलिश, मेरी क्रिसमस टू ऑल, एंड जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।